अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो पुरानी राइड के साथ नए ब्लॉग का करते हैं शुरुआत, क्योंकि अब इस सूर्यास्त के साथ हमारा सूर्य उदय हो चुका है और कुछ एक आए हैं फ़ोन क्लाइंट के, तो हमारे को जानी है, मीटिंग करनी है। अगर काम मिल गया तो आपको वो इवेंट दिखाएंगे आज का और कल का। तो अब लंच वंच छोड़ते हैं, लंच करेंगे कल, साग ले लिए, घर पे बनाएंगे, घर पे खाएंगे आराम से। तो चलो चलते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम सबको। और हमने लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया, हम वहाँ से जहाँ पे गए वहाँ से हमने साग तोड़ा था, बहुत अच्छा, सरसों बहुत ताज़ी ताज़ी थी। और हमारी मैडम ने बोला ये ऑर्गेनिक साग है सारा, ये इनका लगा हुआ है। मैंने कहा भैया अब अपने फर्क पड़ता ही, अब जब बनाओगे तो दिखाएंगे। तो बनाने की विधि शुरू हो चुकी है, अब ये सारा साग है साफ कर दिया, धो दिया, पालक इसमें मिक्स कर दी है, बथुआ भी आ चुका है। Nice one. और आपको ये डेकोरेशन कैसे लगे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये है पीतमपुरा विलेज, आप सोच सकते हैं कि लोगों के टेस्ट कितने बदल चुके हैं। और कितनी बड़ी है, ये छत के ऊपर है, इंटू फिफ्थ फ्लोर, हाँ बस पाँचवीं मंजिल है, मतलब फोर्थ फ्लोर की छत। तो आप देखो सी ग्रीन सारा पैटर्न दिया है, ये देखो, और इधर भी सारा सी ग्रीन का पैटर्न। तो कैसा लगा हो आपको प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, थैंक यू। तो ये है जी फेरों की जगह, जो हमने बहुत अच्छे से अब सज गई है, संवर गई है, और ये यहाँ पे हो जाएंगे फेरे। ये फेरों का मंडप सजा दिया गया पूरा फ्लावर से, और ये फाउंटेन है इनके यहाँ का, जो अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। नीचे 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 सारा डेकोरेशन से कंप्लीट हो चुकी है, बस ये कनोपी थी जिसको कवर कर दिया, बन गई जगह फर्स्ट क्लास। तो बस अभी छत पर लग गई रौनक, तो वहाँ के आपको वो दिखाएंगे। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का लेना।
और इस तरीके से ये रस्म हो रही है। और इधर लगा सेटअप, लाइट ऑन कर, लाइट्स और अब यहाँ लगने वाला रिबन जो एंट्रीज दिखाएंगे। Thank you.
तो लो जी, इसी के साथ हमारे इस ब्लॉग की होती है एंडिंग। आपको बारात भी दिखा दी, आपको रिजुअल्स भी दिखा दिए, और ये हरियाणा की एक बहुत प्यारी सी शादी थी जो आपको दिखाई है। तो अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, और अपने कमेंट्स लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो इसी के साथ हम इस ब्लॉग का करते हैं एंड। अगले ब्लॉग में आपको फिर नए इवेंट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस ब्लॉग। थैंक यू।